हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ मूवी जैवी में। ये मूवी सूर्या की है। अगर ये मूवी आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अंत तक देखना, ताकि आपको पता चल जाए कि ये मूवी कहाँ से कब कैसे आप देख सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो ज़्यादा बात न करते हुए स्टार्ट करते हैं। अच्छी स्टोरी वाली फिल्में कौन देखना नहीं पसंद करता। अगर आप भी मेरी तरह अच्छी स्टोरी वाली फिल्में देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ मूवी जय भीम। बहुत सारे लोग एक्साइटेड होंगे कि इस मूवी को कहाँ से कब कैसे क्यों देखना चाहिए। तो इन सभी सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखना, इन सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। बात करें थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी के बारे में, तो हमारे समाज में होने वाले कुछ इस तरह की घटनाएँ हैं कि हमारे दिमाग और दिल के रोंगटे खड़े कर देंगी। आज भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं हम सभी को देखने को मिलता है कि छोटी जाति का है, ये बड़ी जाति का है, और इसी के बीच हम लोगों में तनाव बना रहता है। और यही इस मूवी का जो मेन पार्ट है यार, जो सीन दर्शाता है वाकई में बहुत ज़्यादा दमदार है और दिल और दिमाग पे एक असर छोड़ जाता है। बात कर लेते हैं थोड़ी सी इस मूवी की कहानी के बारे में। तो समाज के एक छोटे से जाति कास्ट वाले लोग रहते हैं, जो कि अपने गाँव से जंगलों में रहते हैं और बहुत दूर रहते हैं गाँव से। लेकिन एक दिन एक सरपंच के घर में एक सांप निकल जाता है और वो उन्हें बुलाया जाता है उस सांप को पकड़ने के लिए। और सांप को जैसे ही पकड़ कर जाता है, कुछ दिनों बाद उस घर में चोरी होती है 1.5 करोड़ की, और पुलिस का शक उस बंदे पे जाता है जो बंदा सांप पकड़ने के लिए उनके घर गया होता है। फिर ये केस देखने में जितना सीधा साधा होती है उतना ही पेचीदा हो जाती है। फिर आगे चलकर इस मूवी में क्या होता है, क्यों होता है, इन सभी सवालों का जवाब जानना है तो इस मूवी को अंत तक वॉच करना होगा। सच में यार ये मूवी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मैंने ये मूवी पर्सनली देख रखी है और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस मूवी के सारे एक्टर ना बहुत अच्छे से अपनी एक्टिंग किए हैं। इनको देखने के बाद ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं। सच में यार तेलुगु के लिए एक सलाम तो बनता है, क्योंकि इन लोगों ने अपनी एक्टिंग परफेक्ट तरीके से किया है। इस मूवी के स्टार कास्ट में आपको नजर आएंगे सूर्या। सूर्या को देखने के बाद ऐसा लगता है कि वो असल जिंदगी में है वकील भाई। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि वीडियो को अंत तक देखना, आपको पता चल जाएगा कि ये मूवी आपको कहाँ से देखने के लिए मिलेगी। मूवी आपको देखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना होगा। वहाँ से मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप जाओ जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि ये मूवी आपको टेलीग्राम पर ही देखने को मिलेगी। यूट्यूब पर अनऑफिशियली भी ये मूवी अपलोडेड नहीं है कि मैं आप सभी के लिए लेकर आ सकूँ। तो यार अगर ये मूवी देखना चाहते हो ना, तो जाओ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ से इस मूवी को वॉच कर लेना। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना यार, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ तो आपका भी तो थोड़ा प्यार मुझ पर है, आना बनता है ना। आप लोग कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, तभी तो हमें भी पता चलेगा कि हमको आपको किस टाइप की मूवी देखना पसंद है। तो मूवी इसी के भीड़ घूमती रहती है। बात करें थोड़ी सी इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, तो 10 में से 9.6 की रेटिंग मिली है। गूगल यूजर्स ने 89% इस मूवी को लाइक किया है। तो आप लोग समझ सकते हो कि मूवी किस लेवल की होने वाली है। और इस मूवी में आपको मेन स्टार कास्ट नज़र आएंगे सूर्या, और बाकी स्टार कास्ट आप खुद ही देख लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर आपके लिए भी मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए टेक केयर, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।